सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं एसएस मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ नामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। शादी के 15 दिन बाद शोहर की मौत, खातून ने भेस बदल लिया, 30 साल मर्द बनकर गुजार दिए। भारतीय रियासत तमिलनाडु की एक खातून ने शोहर की मौत के बाद 30 साल मर्द बनकर गुजार दिए। इंडियन मीडिया के मुताबिक एस पचामल नामी खातून की 20 बरस की उम्र में शादी हुई और शादी के सिर्फ 15 रोज के बाद ही उसके शोहर का इंतकाल हो गया। कम उम्र के साथ गुजर बसर के लिए इसे सख्त मेहनत मजदूरी करना पड़ी, जिस दौरान हरासानी का सामना भी हुआ। इसके बाद खातून ने फैसला किया कि वो मर्द बनकर जिएगी। वो एक मंदिर में गई जहां उसने अपने बाल कटवा दिए और लड़कों की तरह लंगोट और शर्ट पहनने लगी। यहां तक कि एस पचामल ने अपने शिनाख्ती कार्ड पर भी अपनी शिनाख्त मर्द के तौर पर दर्ज करवाई। एस पचामल के घर एक बेटी पैदा हुई। इसने 30 बरस तक खुद को मर्द बनाए रखा और मर्दों वाले तमाम काम करके अपनी बेटी की परवरिश करती रही। अब इसकी बेटी की शादी को भी सालों बीत गए हैं और इसकी हकीकत भी दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना हुलिया तब्दील करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।